सबसे पहले इस बकरीद पर्व में सबको मुबारकबाद देता हूँ। और पर्व कभी भी आपस में भाईचारगी और संबंध को बनाता है। सब शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्वक पर्व मनावें और भाईचारगी को बरकरार रखते हुए और हम सब मिलजुल करके सब पर्व मनावें और इस देश में एक संदेश जाए, जिला से एक संदेश जाए कि बकरीद अररिया में शांति और सौहार्दपूर्वक लोग मनाया। देखिए, सबसे पहले तो हम मुबारकबाद देते हैं तमाम अररिया वासियों को, बिहार वासियों को, भारत वासियों को। और आप जानते हैं कि ये बलिदान और कुर्बानी का त्यौहार है और हम सब सभी त्यौहार को भारत में सभी धर्मों के त्यौहार को हम लोगों ने हमेशा भाईचारा के साथ, शांति के साथ, सद्भाव के साथ मनाया है। और हम गुजारिश करेंगे तमाम जिलावासियों को कि हमारी सद्भावना, हमारी भाईचारा के साथ जो त्यौहार आगे भी बने। और बहुत मैं एक स्पष्ट बात बोलना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म ने भी शांति का संदेश दिया है, भाईचारा का संदेश दिया है और किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाने का बिल्कुल इस्लाम इजाज़त नहीं देता। हम जिस देश में और जिस राज्य में बसते हैं, कुर्बानी हमको नियम संगत तरीके से करनी चाहिए। ऐसा कोई चीज़ नहीं हो जो किसी के भावना को छेड़ा जा सके। कुर्बानी जो है उसके लिए जो अधिकृत जानवर है वैसे ही जानवर की कुर्बानी करनी चाहिए जो उचित है और मुनासिब है। आपने देखा होगा कि जब भी यहाँ त्यौहार जिस धर्म का भी बना है, सभी जाति के लोगों ने मिलजुल कर मनाया है। और अगर सपोज़ होली हो, दशहरा हो, मुहर्रम हो, अगर किसी ने भाईचारा को भंग करने का प्रयास किया तो सभी धर्मों के लोगों ने उसका विरोध किया है। ये हमारी तहसीब अररिया जिला की है। तो बकरीद त्यौहार भी हम शांति ढंग से और ऐसे तरीक़ों से अपनाएं जिससे किसी के भावना को ठेस नहीं पहुँचे। हम फिर से सभी भाइयों को बकरीद का मुबारकबाद देते हैं और जो गंगा जमुना तहजीब हमारे यहाँ बसती रही है इस देश में, इस जिला में, उसको बरकरार रखते हुए हम सब अपने त्यौहार को मनाएं। और फिर आखिर में हम तमाम अररिया जिला वासियों को दिल से बकरीद का मुबारकबाद देते हैं। ईद उल अज़हा बकरीद अमन, शांति और बलिदान का त्यौहार है। मैं सभी देशवासियों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि भाईचारा बरकरार रहे और सभी को मैं ईद उल अज़हा बकरीद की शुभकामनाएँ देता हूँ। मेरा नाम मासूम अंजार हुआ, ग्राम पंचायत राज कमलदहा अररिया। खास करके हम अपने पंचायत वासियों से या जिला वासियों से कह रहे हैं, मेरा ये निवेदन है कि बकरीद के मौके पे जो भी कुर्बानी करेंगे वो पर्दे से करेंगे और ये चीज़ हदीस में ही दिखाने के लिए नहीं किया जाता है। हदीस ही बता रहा है, दिखाने के लिए नहीं किया जाता है। किसी को देखा ना, अल्लाह देखा हो गया। उसके अलावा और मोबाइल पर आज के दौर में मोबाइल पर जो वायरल करते हैं, ये आग्रह निवेदन है मेरा पंचायत वासियों से, जिला वासियों से कि ये मोबाइल पे वायरल नहीं होना चाहिए। ये वायरल का चीज़ नहीं है। किसी को हाँ अपने त्यौहार में जो त्यौहार बता रहा है, किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। जब ये त्यौहार एक दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाइए, जब ये त्यौहार है। अब उसके धर्म में नहीं है, अब जानते हैं, अब इधर उधर कहीं हो जाता है, ये बात अच्छा नहीं है दूसरे धर्म के लिए। हम अपने तरफ से भी मतलब त्यौहार के मौके पर पुनः अपने पंचायत वासियों के एवं जिला वासियों के, देश वासियों के अपने तरफ से बकरीद के ढेर सारा शुभकामनाएँ, दिली मुबारकबाद देते हैं। बकरीद पर्व के शुभ अवसर पर मैं अपने ग्राम पंचायत वासी रामपुर कोदरकट्टी एवं तमाम मुस्लिम भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ। यह पर्व त्याग और बलिदान का पर्व है। अपने आप को भगवान परमात्मा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने का, उनके आगे समर्पण का पर्व है। और मैं चाहता हूँ कि हर एक इंसान परमात्मा पर, भगवान पर, अल्लाह पर
अपने आप को समर्पित कर दे और उनके आदेशों का पालन करे तो समरस समाज और सद्भावनापूर्ण हम लोगों का जीवन बसर होगा। मैं यही शुभकामनाओं के साथ अपने पंचायतवासी को फिर से एक बार मुबारकबाद और हार्दिक शुभकामना देता हूँ बकरीद पर। बकरीद के मौके पर बांसबाड़ी पंचायत के तमाम जनता को हमारी ओर से मुबारकबाद है, मुबारकबाद पेश करते हैं। ज़िले के लोगों को भी मुबारकबाद है, पूरे देश के लोगों को मुबारकबाद है और मिलजुल करके पर्व को जैसे हर साल मनाते हैं ऐसे ही मनाएं, शांतिपूर्वक मनाएं, किसी को ठेस ना पहुंचाएं, एक दूसरे का इज्जत करें, यही हमारा संदेश है। हम उसको इज्जत करेंगे, वो हमारी करेंगे, यही हमारा संदेश है। बहुत बहुत मुबारक हो सबको, मिलजुल करके त्यौहार करें। ग्राम पंचायत बांसवाड़ी के जितने भी जनता हैं सबको हमारे तरफ से बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएं और जिला वासियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हम यही चाहते हैं कि बकरीद जो हर साल मन के आया है, मतलब कि गंगा जमुना तहजीब के जरिए से वैसा ही मने, कोई भी आपस में भेदभाव ना हो, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचाए, यही है हम लोग का। और सभी ग्राम पंचायत बांसवाड़ी के सभी लोगों से मेरा एक ही कहना है कि सब अपना बकरीद मनाएं और अच्छे से मनाएं, कोई ये नहीं है, हम उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। बकरीद के मौके पर बांसवाड़ी पंचायत के सभी ग्रामीणों को ये हम अभिवादन करते हैं कि शांतिपूर्वक बकरीद का पर्व मनाएं और किसी को किसी प्रकार का ठेस नहीं पहुंचे, हम यही हार्दिक शुभकामना चाहते हैं। मैं ग्राम पंचायत राज हरही का मुखिया प्रतिनिधि हूं और मुखिया प्रतिनिधि की हैसियत से मैं बकरीद के अवसर पर मैं सारे पंचायत वासियों को एवं प्रखंड वासियों को और जिला वासियों को भी बकरीद के शुभकामनाएं दे रहा हूं और मुबारकबाद भी दे रहा हूं। सब शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्वक जो है बकरीद पर्व मनाएं।